यतस्समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः तवेतत्सत्यमङ्गिरः। श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, आज के इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय सन्यासी वृंद, आदरणीय विपश्चित जन, विद्वत जन, प्रतिष्ठित महानुभाव, देश और विदेश से दूर दूर से अपना मूल्यवान समय निकालकर, अपने आवश्यक कार्य छोड़कर यहाँ इस आर्य महासम्मेलन में उपस्थित हुए विचारशील, श्रद्धाशील आर्य महानुभावों, इस पृथ्वी पर मनुष्य के अलावा बाकी जितने भी पशु पक्षी हैं वे अकेले अकेले रहते हैं, अकेले अकेले अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं। उनमें से कुछ प्राणी ऐसे हैं जो समूह बनाते हैं, लेकिन केवल मनुष्य है जो समाज की रचना करता है। इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य ने आंखें खोली हैं, उसने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारे निर्माण किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं। आज के इस विज्ञान और तकनीक के युग में आपके हाथों में बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण हैं जो आपकी सुविधाएं बढ़ाते हैं। इस समय पृथ्वी पर जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि मनुष्य ने अब तक जो कुछ खोजा है, जो कुछ रचा है, जो कुछ बनाया है, जो भी आविष्कार किए हैं, उनमें सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा है? बिजली, कार, अंतरिक्षयान, कंप्यूटर, मोबाइल, कौन से आविष्कार को अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, जो मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि वो आविष्कार भौतिक विज्ञान में नहीं है, चिकित्सा विज्ञान में भी नहीं है, कोई भी तकनीकी उपकरण उस आविष्कार का मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे बड़ा आविष्कार, सबसे बड़ी सुंदर रचना मनुष्य ने जो की है, सबसे सुंदर आविष्कार जो किया है, वो है समाज की रचना करने का। मनुष्य है जिसने समाज रचा है। इसलिए संस्कृत में दो शब्द हैं, समझ और समाज। समझ कहते हैं पशुओं के समुदाय को, समूह को, झुंड को। समाज मनुष्यों का होता है। इसलिए मनुष्य की पहचान है जो समाज के नियमों का पालन करे, भीड़ का हिस्सा न बने। भीड़ में और समाज में अंतर है। जिस भीड़ को एक आदमी मूर्ख बनाकर हांक ले जाए, एक व्यक्ति ने ताली बजाई, सब लोग ताली बजा रहे हैं बिना यह समझे कि बात क्या कही गई है, एक व्यक्ति नारे लगा रहा है, सब लोग नारे लगाने लगते हैं बिना यह समझे कि किस बात पर यह जयघोष किया जा रहा है, वो भीड़ है। समाज का सदस्य वो होता है जो अपने विवेक से चलता है, विचार से चलता है और समाज की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, पशु समूह में रह सकते हैं, समाज की रचना मनुष्य ने की है और समाज से भी एक सुंदर चीज है इस पृथ्वी पर, मैं आप सबसे उसका नाम जानना चाहूंगा। आप में से कोई उत्तर दें, समाज से भी उत्तम चीज अगर पृथ्वी पर है, हम उसको आर्य समाज कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैं आशा करता हूं आपने बात समझकर तालियां बनाई हैं, बजाई हैं, धन्यवाद। किस लिए कहते हैं? मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास तर्क है, पर समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप में जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करने की कोशिश में हूं। मित्रों, ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के जिन 10 नियमों का एक चार्टर,
एक परिपत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो उस समाज की रचना करने का संकेत है जिस समाज का प्रत्येक घटक अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहकर पूरे समाज की उन्नति के साथ अपनी उन्नति का समावेश करना सीखेगा। जब हम कृणवंतो विश्वमारियम कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सारी पृथ्वी को हमें आर्य बनाना है, तब हमारा मतलब किसी पंथ में, किसी संप्रदाय में, किसी सेक्ट में मनुष्य को दीक्षित कर देना नहीं होता। हम चाहते हैं कि इस धरती पर वो युग आए कि धरती का हर व्यक्ति जाति, नस्ल, प्रांत और छोटे छोटे मतभेदों से ऊपर उठ करके मनुष्यता के स्तर पर सोचना प्रारंभ करे। ध्यान दीजिए, जिस समुदाय में, जिस राष्ट्र में, जिस संगठन में सब लोग केवल अपनी महत्वाकांक्षा को तृप्त करने के लिए जुट जाते हैं, उस संगठन का पतन पराभव निश्चित है। जिस समाज में लोग अपनी उन्नति को प्रमुखता देते हैं, समाज और राष्ट्र जिनके लिए पीछे हो जाता है, वहां पर किसी की भी उन्नति संभव नहीं होती। एक विदेशी पर्यटक भारत आया, लगभग वर्ष भर भारत में रहा, घूमा, यहां से लौटते हुए उसने अपनी डायरी में एक कमेंट किया हिंदुस्तान के बारे में, द इंडिया इज अ रिच लैंड वेयर पुअर पीपल लिव। भारत एक धनी देश है जहां पर गरीब लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? कौन सी ऐसा पृथ्वी का भाग है जिसमें इतनी उपज, इतनी उपजाऊ जमीन, इतनी खनिज संपदा, इतनी मानव शक्ति हो, उसके बाद भी यहां पर अगर करोड़ों लोग दो वक्त का भोजन नहीं कर पाते। कारण केवल एक है, आर्य समाज के इस संदेश को जिस दिन भारतवासी समझ लेंगे, आपकी अपनी निजी उन्नति पीछे होनी चाहिए, संगठन की उन्नति पहले है, राष्ट्र की उन्नति पहले है। अगर इस नियम को निकाल दीजिए, परिवार में से निकाल दीजिए, समुदाय में से निकाल दीजिए, राष्ट्र में से निकाल दीजिए, और आप देखेंगे वहां सब लोग बहुत साधनों और धन वैभव के बीच में दरिद्र हैं और दुखी हैं। छोटा सा उदाहरण, किसी भी चौराहे पर रेड लाइट खराब हो गई है और ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी वहां नहीं है, फिर आप देखिए दृश्य क्या बनता है। अगर वहां पर जो भी लोग कारों में, मोटरसाइकिल स्कूटर पर हैं, अपने अपने वाहनों पर, अगर वो सब एक साथ ये चाहेंगे कि मैं ही सबसे पहले आगे चला जाऊं, ध्यान दीजिए वहां कोई भी चौराहे से आगे नहीं जा सकेगा, ट्रैफिक जैम की स्थिति होगी, कोई नहीं जा सकेगा, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि मैं ही निकल जाऊं और सबसे पहले निकल जाऊं। जिस राष्ट्र में, जिस समाज में सब लोग अपनी ही उन्नति में जुड़ जाते हैं, अपनी ही उन्नति की चिंता में डूब जाते हैं, दुनिया भाड़ में जाए, देश भाड़ में जाए, ऐसे लोगों की, ऐसे समुदायों की, ऐसे राष्ट्रों की कभी उन्नति नहीं होती, वो सब मिलकर डूबते हैं और पराभव की ओर जाते हैं। इसलिए आर्य समाज ने इस पूरे मनुष्य समुदाय को आर्य समाज बनाने का व्रत लिया है। उसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी पंथ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य, हमारे आचार्य, हमारे गुरु जगत गुरु महर्षि दयानंद ने घोषित कर दिया है, संसार का उपकार करना। और उसके तीन आयाम हैं, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति, सामाजिक उन्नति। ध्यान दीजिए, जितना भी विज्ञान का, आधुनिक विज्ञान का विकास है, जो भी वैभव है, जो भी तकनीक है, जो भी वैज्ञानिक उपकरण है, वो सब शारीरिक उन्नति के अंदर आ जाते हैं। शारीरिक उन्नति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शरीर से स्वस्थ हैं और बलवान हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, आपके शरीर को सुख सुविधा पहुंचाने वाले उपकरण भी शारीरिक उन्नति हैं। आधुनिक विज्ञान के जितने उपकरण हैं वो आपके शरीर की सुविधा बढ़ाते हैं। आप इतनी संख्या में यहां मौजूद हैं, ये माइक हटा दिया जाए, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, इसने मेरी वाणी की आप तक पहुंच बनाई है, शरीर की सुविधा बढ़ाई है, ये चश्मा मेरी आंख की सुविधा बढ़ा रहा है, कार आपके शरीर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, हवाई जहाज आपके शरीर को जल्दी से यहां से उठाकर मुंबई पहुंचा देता है। ये शरीर की सुविधाएं बढ़ाते वाले सारे उपकरण शारीरिक उन्नति के अंदर आ गए। लेकिन ध्यान दीजिए, जब तक मानवीय मूल्यों का विकास नहीं होगा, जब तक आत्मिक उन्नति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, और केवल एक एक व्यक्ति की उन्नति को छोड़कर सामाजिक उन्नति को आप प्रमुखता नहीं देंगे, सारी शारीरिक उन्नति, सारी भौतिक विद्याएं, सारे वैज्ञानिक उपकरण आपको विनाश की ओर ले जाने के लिए अभिशप्त होंगे। इसके अलावा और कोई नियति नहीं है। इसलिए मित्रों, मनुष्यता के उन मूल्यों को समझें। जब आप विकास की चर्चा करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि आपने चौड़ी सड़कें बना ली हैं, सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारे ओवरब्रिज
5 फ्लाईओवर बना लिए हैं, आपने हवाई जहाज में चलने की ठान ली है, आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, यह विकास का नंबर 2 का चिन्ह होता है। पहली बात यह होती है कि उस समुदाय में, उस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति के समान रूप से अवसर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और उन अवसरों का उपयोग करके उसको अपनी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं। अगर उसका मन दूषित है, मन की भावनाएं पवित्र नहीं है, मनुष्य अपने मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में निरंतर पतन की ओर जा रहा है, ध्यान दीजिए, सारी वैज्ञानिक उन्नति आपके विकास की चर्चाओं को समेटे हुए विनाश की ओर ले जाने के लिए अभिशप्त कर रही है। अब से 30 वर्ष पहले मेरे शहर एटा के पास लगभग 30 किलोमीटर दूर पर गंगा बहती है, लोग वहां पर गंगा स्नान करने के लिए और किसी भी अवसर पर वहां उपस्थित होते हैं, प्रतिमास वहां मेला लगता है, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, और उस भीड़ में नदी में स्नान करते हुए लोगों में से कोई व्यक्ति भंवर में फंस भी जाता है, जब नदी का बहाव तेज हो, बरसात का मौसम हो, तेजी से पानी बह रहा है, उसमें लोग बह जाते थे, डूबने लगते थे, तब वहां पर जो नाव चलाने वाले मल्लाह होते थे, नाविक होते थे, वो तुरंत बिना किसी स्वार्थ के नदी की धारा में कूद करके और उस डूबते हुए प्राणी की जान बचाते थे। अगर उनको उस परिवार के लोग बाद में कुछ पुरस्कार देने की, कुछ इनाम देने की चेष्टा करते थे, उसको वो भी बड़ी मुश्किल से स्वीकार करते थे। 30 वर्ष बीत जाने के बाद मनुष्यता के पतन की वो स्थिति में देखता हूं कि वही उन नाविकों की दूसरी पीढ़ी, आज जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो उसके परिवार वालों से पहले वो सौदा करते हैं कि 5,000 रुपए लेंगे, 10,000 रुपए लेंगे, तब हम नदी में कूदेंगे। यह स्थिति क्यों आई है? क्योंकि मनुष्य का, मनुष्य से जो आत्मीयता का भाव था, जो सबकी उन्नति के साथ अपने जुड़ाव का भाव था, जो सबके साथ एक प्रीति का, धर्मपूर्वक व्यवहार का भाव था, वो निरंतर ह्रास की तरफ जा रहा है। और 6 तत्व किसी भी समाज में मनुष्य के मन को ऊंचाई देने के लिए जो लगातार कार्य करते रहने चाहिए, उनमें हम ह्रास देख रहे हैं। जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं? वो 6 चीजें हैं जहां पर मनुष्य का निर्माण हो रहा होता है। केवल मनुष्य शरीर में जन्म ले लेने से कोई मनुष्य नहीं बनता, कुछ और चीजें लगती हैं उसके लिए। सबसे पहले परिवार में जहां उस बच्चे का जन्म हुआ है, उन मानवीय मूल्यों की, अच्छे संस्कारों और विचारों की उसके मन में स्थापना होनी चाहिए, माता पिता के द्वारा अच्छे विचार, अच्छे उदाहरण पेश करते हुए। दूसरा स्तर होगा शिक्षणालय में, अध्यापक उसके मन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और दूसरे विषय पढ़ाते हुए उसके मन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान है, इस वजह से वो मनुष्य है, ये बात हरगिज नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन चोर हो, धूर्त हो, वो समाज के लिए बहुत घातक होगा, बजाय उसके जो एक इंसान अनपढ़ है। इसलिए मनुष्य के मन की भावनाओं के विकास पर ऋषियों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। विद्वान बनाइए, बुद्धिमान बनाइए, लेकिन उसके मन में अच्छे विचार और संस्कार, उसकी भावनाओं की दिशा ठीक होनी चाहिए। IQ अच्छा होने से सफलता नहीं मिलती, EQ भी अच्छा हो, इमोशनल क्वोशेंट, आज पश्चिमी मनोवैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा होता है कानून, जो मनुष्य को नैतिकता के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। चौथा होता है समाज, जिसमें अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी के व्यवहार को सम्मान मिलता है। उस समाज में लोग ईमानदार होना पसंद करते हैं, जहां ईमानदारी बेवकूफी समझी जाने लगती है वहां लोग बेईमान होने लगते हैं। पांचवी चीज है साहित्य, अच्छी कहानी, अच्छा उपन्यास, अच्छी कविता मनुष्य के मन को ठीक दिशा में ले जाने के लिए सबसे सशक्त माध्यम है। साहित्य शास्त्रियों ने साहित्य का, कविता का, उपन्यास कहानी का एक ही उद्देश्य घोषित किया है, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत, राम इत्यादि की तरह आचरण करना। जब भी आप कोई साहित्य पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो आपके मन में यह प्रेरणा उठ जाती है कि राम की तरह आचरण करना चाहिए, रावण की तरह नहीं। जब साहित्य फिल्म का रूप लेकर, टीवी सीरियल का रूप लेकर मैसेज लेस हो जाए, सिर्फ मनोरंजन परोसने लगे, उस समाज में नैतिकता के, मानवीय मूल्य निरंतर पतन की ओर जाएंगे। और सबसे बड़ा, सबसे बड़ी भूमिका निभाता है धर्मगुरु, जो लगातार यह सिखाता रहता है, अधर्म करोगे, पाप करोगे, परमेश्वर के दंड से नहीं बच सकोगे, दूसरों को अन्याय से दुख मत पहुंचाना। जब ये 6 चीजें किसी समाज में अपने कर्तव्य को छोड़कर
मनुष्यता के उत्थान से हटकर अपने स्वार्थों में लीन हो जाएं, उसका भविष्य कितना अंधकार से भरा हुआ होगा। इसलिए मित्रों, अपनी बात को समेटते हुए मैं आपसे ऋषि दयानंद का एक पवित्र वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं, मनुष्य उसी को कहना जो स्वात्मवत अपनी ही तरह दूसरों के सुख दुख का अनुभव करे, अन्याय से दूसरों को दुख न पहुंचाए। इतने उच्च मानवीय मूल्य जिन ऋषियों ने हमारे हाथों में सौंपे हैं, हम उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में, पूरे संसार में उनको कार्यान्वित करने के लिए निकले हैं। इस आर्य महासम्मेलन का आयोजन इन्हीं उच्च भावनाओं को समेटे हुआ है। हमारे वेद में परमेश्वर की प्रेरणा से ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में जो भावनाएं गूंजी हैं, जो दिव्य विचार ज्ञान के जो सूत्र उद्भूत हुए हैं, उनमें से एक मंत्र समाज की संरचना को प्रस्तुत करता है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम। ध्यान दीजिए, साथ मिलकर चलना मनुष्य की मजबूरी है। आप अकेले जंगल में रहकर कुछ सुख नहीं उठा सकते, समाज की वजह से आप सुख उठा रहे हैं। और समाज में रहकर आपस में मतभेद होंगे, लेकिन उन मतभेदों को दूर करने का तरीका संवाद है। विवाद हमेशा मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगा, संवाद हमेशा उत्थान की ओर ले जाएगा। संवो मनांसि जानताम, एक दूसरे के मन की भावनाओं को आदर देते हुए इस संगठन को शक्तिशाली बनाते हुए आगे ले चलें। तुम जो बैठे हुए एक आफत हो, डॉक्टर राम प्रकाश जी एक बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि आर्य समाज जब दौड़ता है तो बाकी लोग चलने लगते हैं, आर्य समाज दौड़ना छोड़ देता है तो बाकी लोग बैठ जाते हैं इत्यादि। उन्हीं को स्मरण करते हुए मैं चार पंक्तियां आपसे कहना चाहता हूं। तुम जो बैठे हुए एक आफत हो, उठ खड़े हो तो क्या कयामत हो, और जो मिलकर के चल पड़ो एक साथ तो हर एक पाप हर एक पाखंड की शामत हो। कब वो दिन आएगा जब तुम एक साथ मिलकर चल पड़ोगे, संगच्छध्वं, आपस के विवादों को संवाद के द्वारा शांत करते हुए इस धरती पर छाए हुए हर एक पाप और पाखंड की शामत लाओगे। ऋषियों की वाणी आपके मन में गूंजती हुई उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है। मित्रों, यहां से संकल्प लेकर के जाना, बस आए, राजधानी घूमे, कुछ व्याख्यान सुने और चले गए, इतना ही उद्देश्य लेकर के अगर आप आए हैं तो एक बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाएंगे। मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने इस विराट कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका जो पवित्र और महान उद्देश्य है, आर्य समाज की स्थापना के महान उद्देश्य से जोड़ते हुए प्रत्येक आर्य के मन में, अंतःकरण में वो चेतना जाग जाए, यही इस महासम्मेलन की सफलता होगी। आप सबका धन्यवाद।